हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में इससे पहले वाली वीडियो में कल हमने आपको समझाया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, एक्चुअली हम केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से पहचान सकते हैं उसके फाइव करैक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस किसी रिएक्शन में यदि गैस निकलती है तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। ये हमने एग्जांपल दिया था। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये टू करैक्टरिस्टिक्स हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। ओके, आज हम बात करेंगे थर्ड करैक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर की हम बात करेंगे। ओके, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। ओके, ये आप नोट कर सकते हो, नोट करिए। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। जैसे एग्जांपल हम पिछले वाला ही ले लेते हैं, जिससे कि वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और कई सारी चीजों में काम आएगा, इसलिए आप उसे ही कंटिन्यू कर लें। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2KI गिब्स, ये गिब्स बोलती है इसको, PbI2 प्लस 2KNO3। ओके, तो यहां ये कलरलेस है। कैसा है ये? कलरलेस। लेकिन ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये येलो, शॉर्ट में प्रेसिपिटेट को PPT, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर चेंज हुआ है कलर, इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर फोर, चेंज इन टेम्परेचर। नंबर फोर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर में चेंज होने पर भी हम ये कह सकते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर कम या ज्यादा होना। ओके, तो आपने देखा होगा जनरली, या आपके डेली या हम ऐसे कह सकते हैं कि घरों में अक्सर ऐसा यूज होता है कि हम किसी मौके पर, जैसे दीपावली वगैरह के मौके पर, और कैल्शियम ऑक्साइड मीन चूना खरीद के लाते हैं, ओके, पाउडर, और उसमें वाटर मिलाते हैं। तो आपने देखा होगा जिस बकेट में उसमें वाटर मिलाया जाता है वो बकेट गर्म हो जाती है उसमें से, और भाप निकलने लगती है। मतलब वो गर्म होने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहां पर जो एग्जांपल है CaO जो हम खरीद के लाए, उसमें हमने वाटर मिलाया H2O, तो क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस। ओके, प्लस हीट, हीट भी निकलेगी। अब यहां पर टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज हुआ, इट मींस दिस इज केमिकल रिएक्शन। ओके, नंबर फाइव, चेंज इन स्टेट। कभी कभी क्या होता है, स्टेट में चेंज होने पर भी, स्टेट में चेंज होने पर, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से कुछ और बन जाए गैस, ठीक है ना, तो वो भी इसी में आता है, किसमें? केमिकल रिएक्शंस के करैक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना। तो नंबर फाइव, चेंज इन स्टेट। ओके, चेंज इन स्टेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब हाइड्रोजन गैस के साथ H2
प्लस O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस जब दोनों मिलती हैं, दोनों ही गैसेस हैं, ये भी गैस है, गैस के लिए हम एरो का साइन दिखाते हैं इस तरीके से ऊपर से, ठीक है ना, या जी भी लिख देते हैं, तब क्या बनता है, वाटर बनता है H2O, और ये क्या है, ये लिक्विड है, L लिख दिया हमने, बैलेंस कर लेते हैं 2, यहां भी 2 लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और क्या बना, वाटर बना। ओके, तो गैस गैस और दोनों से बना क्या, लिक्विड, इट मींस देयर इज चेंज इन स्टेट। ओके, तो दीज आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, वी कैन रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाइड बाई दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ओके, कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ओके, केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली आपने देखा होगा, एक एग्जांपल हमने दिया था, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो इस यहां क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब हम इन्हें इस तरीके से ना लिख के, वर्ड इक्वेशन ना लिख के, इनकी सिंबल्स की हेल्प से यदि इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। ओके, जैसे देखिए Mg प्लस O2 गिव्स MgO, बैलेंस कर लेंगे तो 2 यहां में लगाना पड़ेगा, 2 यहां लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फिर से सुन लीजिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ओके, अब आपने ये देखा होगा कि मैंने यहां पर 2 लगा दिया, यहां पर 2 लगा दिया, तो ये चीज क्या है। ओके, व्हाट इज दिस, तो ये है इक्वेशन को बैलेंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है। ओके, तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा। ओके, सबसे पहले द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके, का ये लॉ है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब बैलेंस, सबसे पहले एक चीज समझ लें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की तरफ नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, तो 2 हम यहां बोल सकते हैं, क्वेश्चन बनता है कि वाई केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे वाई केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, तो इसका आंसर होगा टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड।
ओके क्यों? टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके समझ आई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रूव करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड किया जाता है, इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना? ओके नाउ किस तरीके से हम इनको बैलेंस्ड करेंगे ये आप देख लीजिए। जैसे हम इक्वेशन ले लेते हैं H2 प्लस Cl2, ओके H2 प्लस Cl2 बना क्या? HCl, ओके अब देखेंगे यहां हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1, तो हम यहां पर 2 लगा लेंगे, ठीक है ना? इधर हाइड्रोजन के 2 हो गए, अब इधर क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो इधर देखेंगे तो इधर भी क्लोरीन के 2 हैं। इट मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर इक्वल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अदर साइड। ओके LHS और RHS दोनों में ही हाइड्रोजन क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है हम बढ़ाएंगे, और कभी यदि हमें लगता है कि ज्यादा हो गए तो कम भी करेंगे, ठीक है ना? एक चीज और आपको याद रखनी है कि फॉर्मूले से आपको कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है। आप 1, 2, 1 तो बढ़ाएंगे नहीं, कर 1 तो लिखते ही नहीं है। 2, 3, 4 नंबर ऑफ एटम जो बढ़ाएंगे वो आप हमेशा बिल्कुल जस्ट सामने लिखोगे, आप बीच में नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, ठीक है? ओके तो एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे Mg वाला तो हमने ले लिया था, खैर Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके तो यहां पे हम देखेंगे कि Fe के इधर कितने हैं? 3, तो हमें इधर 3 करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो 3Fe हमने इधर कर लिया। ओके अब हाइड्रोजन के देखेंगे, हाइड्रोजन के यहां ओके देखेंगे, ओके 4 है, लेकिन यहां ओके कितने हैं? 1 ही है, तो हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं, 3Fe प्लस 4H2O गिब्स। अब लेकिन यहां पर देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 2 8, लेकिन इधर हाइड्रोजन के 2 ही है, तो पहले तो हम ये लिख लेंगे Fe3O4 प्लस यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर 4H2। ओके तो इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो और भी अपनी एनसीईआरटी बुक से कुछ एग्जांपल्स लेके आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और बैलेंस करना सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी अगेन। ओके तो इसके बाद हम टॉपिक लेंगे कि इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।